मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्ट्रेटजीज के बारे में खास तौर से आपको कुछ इश्यूज जानना बहुत एसेंशियल है। जब भी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी भी तरह का स्पेसिफिक प्लान बनाता है जिसका लॉन्ग टर्म विजन होता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, तो उसमें मार्केट सेगमेंटेशन का, बाजार वर्गीकरण का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, एक साथ डील नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं कि जो किसी भी तरह के हमारे सामने चैलेंजेज आते हैं, हमारे सामने किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको कंसिडर करते हुए जो स्पेसिफिक प्लान्स और एक्शन बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजीज में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है मार्केट सेगमेंटेशन। तो पहले तो ये जानिए कि सेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंटेशन बेसिकली क्या जाता है, सब डिविजन ऑफ टोटल मार्केट। हमारा जो मार्केट है, मार्केट से मतलब है हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो रीच है, हमारे कस्टमर्स का जो कवरेज एरिया है, इनको अगर हम बहुत मैन्यूअल तरीके से सर्व करना चाहते हैं, उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको मार्केट सेगमेंटेशन बहुत बढ़िया तरीका होता है, जिसमें टोटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू सम स्पेसिफिक फीचर्स। तो उसमें ये होता है कि कुछ विशेषताएं जो कॉमन रहेंगी, वो विशेषताओं के आधार पर कुल बाजार को छोटे छोटे हिस्सों में सब डिवाइड कर दिए जाए। क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा क्यों किया जाए कि जैसे हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, मुंबई में है, इसी भी एक जगह पर हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर रहकर सारी एक्टिविटीज पूरी इंडिया के लिए हम कर रहे हैं। इसकी वजह है जैसे कि सेगमेंट में देखेंगे कि पहला सेगमेंट देख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, तो हमारा टोटल मार्केट एक जगह पर रहकर उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हम देखने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर उसमें कुछ लिमिटेशन रह जाती है, तो हम ज्योग्राफी में हमारा बेस बना लें तो सबके लिए कैसे करेंगे, उनकी मार्जिन कैसे करेंगे कि हमने मान लो चार सेक्टर बना दिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ये हमारा सब डिवीजन हो गया, ताकि हम इस पर्टिकुलर एरिया को एक पर्टिकुलर मैन पावर टीम ऑफ मेंबर्स ये आपको डील कर लेगी। पर्पज ये होता है कि हम कस्टमर्स तक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्लान, स्पेसिफिक प्राइसिंग, इन चीज़ों के साथ पहुँच पाए। तो एक को एक जगह पर बैठ कर हम पूरे हमारे टेरिटरी को डील कर रहे हैं, और एक हमने उससे सब डिवाइड कर दिया, जब एक प्लेस की अगर बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे, तो उससे होगा कि हर कस्टमर्स तक इफेक्टिव अप्रोच हमारी हो पाएगी। और इसका फायदा ये भी होगा कि सब जगह फीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी जब भी बताया जाए तो हम एक ये मैप का हम करने की कोशिश करें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये किसी भी नक्शे को देखते हैं हमारे पास ये उसके डायरेक्शंस की एक आइडियल देखने को मिलती है। अब इंडियन मैप को यहाँ पर एक बार रिसर्च करके देखें कि भारत के मैप की बात करें तो नॉर्थ में बात करें, ये हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसा ठंडा प्रदेश माना जा सकता है हिंदुस्तान का, और ये है कोस्टल एरिया साउथ में। दक्षिणी जो भारत है वो है समुद्र से घिरा हुआ, तीन तरफ से हमारे समुद्र हमारे देश को घिरे हुए हैं। यहाँ और यहाँ चाहे ज्योग्राफी की बात कर लें, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर लें, बहुत चीज़ें डिफर करती है। तो हम जो प्लानिंग यहाँ के लिए कर रहे हैं वो जो लोग प्लानिंग वहाँ पर करें, ये एक अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। तो हम लोकलाइज होने के लिए जिस सेक्टर में जो घटना वास्तव में अप्रोप्रिएट हो सकता है वो हमारे लिए प्रैक्टिकल प्लान ऑफ एक्शन होगा, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। ये हमारे ज्योग्राफी को बेस मान लिया, वहाँ के बेसिस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा जो बड़ा पर्पज है सेगमेंटेशन का, वो तो है ही है कि हम हर कस्टमर्स तक पहुँच पाएँ, इफेक्टिव तरीके से पहुँच पाएँ, उनकी पर्सनल इश्यूज को टैकल कर पाएँ, और हम उनको वो गुड्स और सर्विसेज उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर प्रोवाइड करा पाएँ जिसके लिए वो एक्सपेक्ट करने चल रहे हैं। ये हमारा पर्पज होता है टोटल मार्केट को बेटर तरीके से सर्व करना, ये
ये सेगमेंटेशन का एक सबसे बड़ा लॉजिक होता है। बाकी लॉजिक तो बहुत सारे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स जहाँ जहाँ जिस जिस रूप में छाए हुए हैं या उन्होंने हमको कॉम्पिटिशन दिया हुआ है उसको रोकने का एक तरीके यही होता है कि हम उसके कॉम्पिटिशन में अपने कोई ना कोई टेरिटरी लॉन्च कर दें। लॉन्च करने का बेस क्या बन सकता है तो ये देखते हैं। ज्योग्राफी की बात होती है इसमें याद रखी जाते हैं डायरेक्शन के आधार पर, दिशाओं के आधार पर, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या नॉर्थ ईस्ट का लोग या नॉर्थ वेस्ट का लोग, नॉर्थ वेस्ट का लोग, साउथ ईस्ट का लोग, जिस तरह का नामकरण करना चाहें। हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास मैनेजमेंट कोर्स कितने अवेलेबल है, हमें कितने माइनर लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको कंसिडर जरूर करना पड़ेगा। करने का तो हम बस क्लियर करते हैं लेकिन क्या इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है। जब 10 एरिया बनाओगे तो 10 एरिया में मार्केटिंग फोर्स सपोर्ट करनी पड़ेगी, उनके सैलरीज के ऊपर, उनकी सुविधाओं के ऊपर आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर आपको पहले सेट करना है। तो ये हो गया कि अगर मान लो ज्योग्राफी को बेस बना लिया तो ये सीधा सीधा सब कुछ हो जाता है कि हमने जितने टेरिटरी बनानी है कुल, चाहे वो देश को कर लें, चाहे राज्यों को कर लें, हमारे लोकल एरिया को कर लें, तो उसको सब डिवाइड करने का उसी बात करें। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में आती है हमारी पॉपुलेशन की डिफरेंट ट्रेड्स। डिफरेंट ट्रेड्स क्या होती है, पॉपुलेशन की एज, सेक्स, इनकम, एजुकेशन, इन बेसिस के ऊपर हम सब सब डिविजन कर सकते हैं। जैसे कंपनी प्रोडक्ट बनाने वाली है इसके लिए बना रही है, एज ग्रुप के मामले में इंडेक्स बना लिया तो बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, एजेड पर्सन के लिए, मेल फीमेल की बात कर लें, मेल सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट और फीमेल सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट। इसी तरह चाहे इनकम ग्रुप को बेस बना लो, चाहे आप ऑक्यूपेशन ग्रुप को बेस बना लो, हमारा टारगेट मार्केट क्या है, हम जिनको अप्रोच करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, उसके फीचर्स को ध्यान में रखते हुए अगर सब्जेक्ट है ये हो जाएगा। इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, उसके डेमोग्राफिक फीचर्स क्या हैं। फिर बात करें प्रोडक्ट यूटिलिटी, कितना काम में आता है प्रोडक्ट, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है, रिपीटेटिव फ्रिक्वेंसी है, लगातार रिक्वायरमेंट रहेगी, ऐसे कस्टमर्स का अलग कस्टमर तैयार किया जा सकता है। और जो रेयर यूज करने वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए कम एफर्ट्स के साथ ही हम, हो सकता है हमारा आउटलेट नहीं बने, हो सकता है लोकल मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहीं पर हमारा माल रखवा दिया जाए। फिर बात आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे आज का दौर में ही पूरा साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी से ज़्यादा है दिखावे की बात करते हैं कि हम पर्टिकुलर इस तरह के ब्रांड यूज करेंगे, हम इस तरह की प्राइस लेवल को लेकर बातचीत करेंगे। ये अगर बेस बना है तो हमारे साइकोलॉजिकल मन में जो बातें आती है कि हम इसी चीज़ को स्टेटस सिंबल बनाकर देखते हैं, अब वो चाहे ब्रांड के आधार पर हो सकता है, क्वालिटी के हिसाब से हो सकता है, उसके रेट के हिसाब से हो सकता है, तो वो हमारे साइकोलॉजिकल सेक्टर। फिर बात आती है मार्केटिंग एलिमेंट। मार्केटिंग एलिमेंट क्या है, मार्केटिंग फोर पीस पर शुरुआती क्लास में बहुत डिटेल में बात की हमने, फोर पी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमारा डिविजन ये हो जाता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ प्राइस को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ प्रमोशनल एफर्ट्स, प्रमोशन क्या है, कुछ फ्री में मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, कूपन मिल जाए, इस तरह से कन्विंस होने वाले कस्टमर्स होते हैं। और कुछ सोशल सर्विसेज के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, कि हम माल खरीदने के बाद में उसके घर तक, उसके आउटलेट तक प्रोडक्ट को पहुँचवा दें, इसमें लिव करने वाले लोग हो सकते हैं। अब आप कहाँ शेयर कर रहे हो ये क्राइटेरिया हमारे, और उस तरीके के लोगों के लिए अलग स्ट्रेटेजी बना लें कि जो प्रोडक्ट से कन्विंस होने वाले लोग हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी, प्राइस के फंसने वाले कस्टमर हो सकते हैं उसके लिए अलग हमारा आइडिया हो सकता है। इस तरह बाकी जो कॉम्पोनेंट है मार्केटिंग के उसको देखते हैं। अब बात आती है लॉयल्टी। लॉयल्टी होती है किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस हाउस के लिए आपका एक अटैचमेंट की बात करते हैं कि हमें उसी ब्रांड के साथ आगे बढ़ना है। ब्रांड लॉयल्टी है, हम समझौता नहीं करते,
हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने आज तक इस बात को छोड़कर दूसरे को कुछ नहीं किया। तो यहाँ होते हैं हाईली लॉयल कस्टमर्स, मॉडरेटली लॉयल कस्टमर्स, या एवरेज लॉयल, या जिनको बाई चांस कभी आया और कभी प्रोडक्ट लेके चला गया, बात अलग है, ऐसे कस्टमर भी हो सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी कहाँ रहेगी, तो हाईली लॉयल कस्टमर्स हैं, ब्रांड सेंसिटिवनेस जिनके लिए इतनी ज़्यादा है, वो केवल और केवल उन ब्रांड्स के साथ जिनके साथ उनका आज तक का समय निकला है उनके साथ ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिर आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन है समाजीकरण, समाज का स्तर, समाज के लोग, समाज के वैल्यूज, समाज ट्रेडिशनल मूल्यों के साथ चलता है, समाज प्रगतिशील है, नए विचारों को, नए प्रोडक्ट को स्वीकार कर लेता है। ट्रेडिशनल समाज में बिलीव नहीं कर सकते हैं कि नया प्रोडक्ट आए और उसको समाज एक्सेप्ट कर लेगा। और जहाँ सोशलाइजेशन की प्रोग्रेस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, एडवांस थिंकिंग लोगों की है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, तो उस जगह पर क्रिएटिविटी का जमकर इस्तेमाल किया जा सकता है। नए प्रोडक्ट ऐसे लोगों के लिए जिनकी सोच नहीं है, जिनकी सोच एडवांस है, उनके लिए हमारे अलग ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों कंसेप्ट के लोगों के साथ एक साथ नजरिया हम अडोप्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेगमेंटेशन में ट्रेडिशनल कस्टमर्स के लिए अलग और जो हमारे मॉडर्न सोच वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए अलग होगा। फिर बात करते हैं मोटिव्स। कस्टमर चाहे जिस सेगमेंट का है, चाहे जिस इनकम ग्रुप का है, चाहे जिस सोशल स्टेटस का है, वो कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं चीज़ों के ऊपर आकर फंसता है। कुछ लोगों के लिए पैसा, डिस्काउंट, प्रीमियम ये वाले रखती है, और कुछ लोगों के लिए क्वालिटी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो बाइंग मोटिव्स, कस्टमर्स आकर डिमांड क्या करता है, कस्टमर्स की हर बिजनेसमैन इतना कैपिटल हो जाता है कि आपके द्वारा जब शुरुआत की जाती है इंक्वायरी की, शॉप पर गए, शोरूम पर गए और आपने डिमांड की, उसके हिसाब से पता लगा लेते हैं आपका कि आप किस तरह के प्रोडक्ट लेकर जा सकते हैं, आपके लिए कौन सी चीज़ दिखाई जानी हो सकती है। तो उसमें मोटिव्स आपकी पहली क्वेरी के हिसाब से एक आइडिया बन गया कि ये व्यक्ति किस तरह से शीशे में डाला जा सकता है। तो हम स्ट्राइक वही करते हैं, आपने दो चार पीस निकलवा कर देखे जैसे रेडीमेड ड्रेस में ले लें, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट के ऊपर अटक रहा है, किसी आइटम के ऊपर अटक रहा है, और वो रीड कर रहा है, मार्केटर रीड कर रहा है, और उसकी प्राइसिंग के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं फिट कर दिया जाएगा। रेडीमेडली आपको वो प्रोडक्ट दे दिया जाएगा जिसके लिए शायद आप पूछते नहीं हैं। तो हम मोटिव्स में भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर्स किन चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, किन चीज़ों के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, किन चीज़ों के साथ सेटिस्फेक्शन अपने आप को वो मानते हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे दिमाग में रहते हैं। तो आप किसी भी क्राइटेरिया को कंसिडर करें, अल्टीमेट बात है वन स्पेसिफिक प्लान, वन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी और वन स्पेसिफिक सब डिविजन और वन स्पेसिफिक सेगमेंट। एक एरिया के लिए, एक क्षेत्र के लिए, एक समूह के लिए एक विशिष्ट विपणन योजना, स्पेसिफिक मार्केटिंग प्लान। यानी हर प्रोडक्ट को हर जगह पर हम नहीं खपा सकते, हर पॉलिसी हर जगह पर हम नहीं की जा सकते। तो हम मार्केटिंग के सक्सेस के लिए हमारे पास जो डिफरेंट बेसिस है उसमें बहुत बड़ा आधार है कि हम मार्केट का सेगमेंटेशन कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं। और इस सब डिवाइड करने से पहले हर मार्केटिंग प्लान की, हर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की एक स्टेप होती है जिससे जुड़ना बहुत जरूरी होता है, और वो होती है टेस्ट प्रोसेस। परीक्षण करके देख लिया जाए, जब भी चाय बनती है, सब्जी बनती है, या माइक कभी चलाते हैं, हम माइक टेस्टिंग करते हैं नहीं करते, इसी तरह हम टेस्ट कर लें कि कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट किस एरिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसके लागू करने से पहले स्थितियाँ क्या थी, उसके बाद में क्या रही, उससे पहले सेलिंग कैसे हो रही थी, इसके बाद में सेलिंग में क्या चेंज आया, इससे पहले कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन कैसा था, इसके बाद कैसा रहा। तो अगर एक छोटे एरिया पर टेस्टिंग करके देख ली है, उसके बाद में सब डिविजन के ऊपर आप आगे बढ़ें। और सब डिविजन बनाना ही है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा करना एसेंशियल नहीं है,
अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अलाउ करती है, अगर आपके पास इतनी मैन पावर है, अगर आपके पास इतना कंट्रोलिंग एफर्ट है, तो आप इस चीज़ के साथ आगे बढ़ें। अदरवाइज जो हमारी रूटीन की बातें हैं उसके साथ हमारी एक स्पेसिफिक।